एंड कंफर्म कर दो कि मैं दिख रही हूँ नहीं नहीं टेक्निक मनप्रीत यस देखो मनप्रीत कितनी प्यारी बच्ची है एक्चुअली एक लैपटॉप है मेरा जो इतने दिनों से बहुत प्रॉब्लम दे रहा था उसको चेंज किया है तो यहाँ सेटिंग ही नहीं बैठ रही थी तो वो सेटिंग वेटिंग करनी रहती है ना वैसा ठीक है तो जल्द अरे मैम आ गई आ गई दिख रही है ना मैम हाँ ठीक है ठीक है

तो आपको सारे सेशन के लिंक्स मिलते रहते हैं ये क्यू आर कोड आपको लेके जाएगा क्लास के नोट्स की तरफ और ये क्यू आर कोड आपको लेके जाएगा डिजिटल वीडियो बुक की तरफ जहां पे वन शॉर्ट चैप्टर्स इन वन वो जिसकी जरूरत है अब आपको तो ये दोनों क्यू आर कोड स्कैन करके आप रिस्पेक्टिव जगहों पे पहुंच सकते हैं मूविंग अहेड जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं नए लोगों को तो आप लाते नहीं हो लाते ही नहीं हो देख लो पता ही चल रहा है तो फिर भी जो प्लेटफॉर्म पे नए हैं वो क्लास इलेवेंथ वाले बच्चे ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे और क्लास ट्वेल्थ वाले ये मतलब ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे को मैं क्लास इलेवंथ लेती हूँ चार से पांच का क्या ले रही हूं अभी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले रही हूँ तो जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है जिनको पसंद नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो आ जाओ कितने बजे चार से पांच टीटीएस क्लास इलेवंथ और ट्वेल्थ क्लास के बच्चों का रात को नौ से दस होता है मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे बच्चों एमर्ज एमर्ज आपके अकॉर्डिंग मोल्ड हो चुका है मोल्ड हो चुका है एमर्ज इज नाउ एन ऑनलाइन एग्जाम जो कि आपकी तैयारी करवा रहा है फॉर सीबीएसई टर्म वन तो यार इससे अच्छा क्या होगा एग्जाम का माहौल मिल रहा है हमको प्रैक्टिस के लिए सवाल मिल रहे हैं एग्जामिनेशन का माहौल मिल रहा है तो बेटा जरूर गो फॉर इट बिल्कुल लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से तैयारी हो रही है एंड वॉट कोड यू हैव टू यूज इसको लिख लो मास्टर ब्लास्ट कोड एमबी लाइफ ठीक है एनरोलमेंट के लिए आपको ये कोड यूज करना है ऑल राइट अच्छा इसका फायदा ये है कि आपको इसमें ऑल इंडिया रैंक मिलेगी मतलब आप कहा स्टैंड करते हो सो दैट डेफिनेटली यू कैन इंप्रूव देन वीडियो सोल्यूशन मिलेगा आपको इंडिया टॉप एडुकेटर्स के थ्रू एंड डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मिलेगी ओके okay. अब बात करते हैं कि हमारे एमर्ज केमिस्ट्री का कब होने वाला है ट्वेंटी सितंबर है ना ऑल द बेस्ट कल ही तो है और एनरोलमेंट फ्री एमबी लाइव से ठीक है थीके? तो जो बच्चे देना चाहे मैं तो सबको सजेस्ट करूंगी कि सब दीजिए लेकिन सारे तो मैम की बात मानते नहीं है तो मैं बोल रही हूं कि जो बच्चे देना चाहे उन्हें मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट ठीक है सब्सक्रिप्शन में लेकर के अगर आप आते हैं देखो सबसे पहला सवाल आज की डेट में मेन सब्सक्रिप्शन को लेकर के दो सवाल है वॉट आर दिट्स आर वी लेट ठीक है दो सवाल है क्या फायदा है एंड क्या मैं लेट हूं फायदे फायदे तो इतने हैं कि पूछो ही मत बेटा प्लस पे आते हो तो आपको क्लासरूम का माहौल मिलता है आपको एडुकेटर्स फोकस करके वन एट अ टाइम टॉपिक पढ़ाते हैं होमवर्क देते से मैं खूब होमवर्क देती हूँ और ऑर्गेनिक में इतना भर भर के होमवर्क जा रहा है इतना भर भर के होमवर्क जा रहा है अभी हमने एल्कोहल पेलिथर स्टार्ट किया है तो उसके पे पूरी वर्कशीट गई है मतलब फुल ऑन पूरे सारे खूब सारे क्वेश्चन ऐसी प्रिपरेशन वर्कशीट अलग बन रही है प्रॉपर्टीज की वर्कशीट अलग बन रही है ऐसा करके होमवर्क हर टॉपिक का रेलिवेंट होमवर्क जाता है जिस दिन जो पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड ऑर्गेनिक प्रैक्टिस मांगता है तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं स्टडी मटेरियल दिया जाता है जिसको आप रेफर कर सकते हो जो एडुकेटर्स खुद बनाते हैं जैसे मैं केमिस्ट्री का बनाती हूँ फिजिक्स वाले फिजिक्स का बनाते होंगे मैथ्स वाले मैथ्स का बनाते हैं ठीक है उसके अलावा जो भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है लाइक वर्कशीट्स वगैरह प्रोवाइड कराने तो ये नहीं कि बस दे दी बच्चों को छुट्टी हो गई आप सॉल्व करें उसमें से डाउट मार्क करें और वो डाउट आप डाउट क्लास में पूछे तो डाउट क्लासेस सेपरेटली रखी जाती है थ्री प्लस वन के ऑर्डर में मतलब जो सीक्वेंस रहता है वो थ्री प्लस वन का रहता है ठीक है तीन क्लास से पढ़ाएंगे एक में डाउट तीन क्लास से पढ़ाएंगे एक में डाउट तीन क्लास से पढ़ाएंगे एक में डाउट तो आपको होमवर्क में डाउट है वो पूछ लो आपको एनसीआर में डाउट है वो पूछ पूछो आप कोई कर रहे हो कोई क्वेश्चन करे उसमें आपको डाउट आ रहा है वो पूछ लो आपको कोई टॉपिक में ही लग रहा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था ऐसा होना चाहिए था वो पूछ लो पूछने के लिए स्पैम नहीं करना है लिख लिख के उंगलियां नहीं थकानी है पूछने के लिए डाउट क्लास में आपको रेजेंट करना है मतलब यू हैव टू टॉक टू अस हम मैं अनम्यूट करूंगी आपको आप मुझसे बात कर सकेंगे मैं रेज हैंड लूंगी आपका और आप ऐप पे मुझसे बात करेंगे तो डेफिनेटली इट इज मच पर्सनलाइज अटेंशन क्लासरूम का माहौल विद नोट्स विद टेस्ट विद एवरीथिंग पर्सनलाइज अटेंशन मतलब आप और हम बात कर सकते हैं तो एक बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है स्टूडेंट्स को टीचर्स से जब वो बात करता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है तो ये सब चीजें मिलेंगी आपको अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइजेस में मैं बता देती हूँ प्राइजेस क्या क्या है अच्छा इस तरह से बैचेस भी आते हैं देखो बेटा जैसे अभी हमारा अपकमिंग अभी हमारा ऑनगोइंग बैच चल रहा है प्राइम बैच है ना ये हमारा साइंस का चल रहा है इसमें मैं पढ़ा रही हूँ और ये बाकी देखो सब टीचर्स फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी के भी पढ़ा रहे हैं ये अपकमिंग बैचेस है तुम साइंस वाला देखो साइंस वाला बैच देखो नाम देखो एमसीक्यूज बैच मतलब किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि यार एमसीक्यूज की और तैयारी करनी है होते हैं यार सब तरह के बच्चे होते हैं यार मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया लेट से मैंने के कंप्लीट करा दिया प्लस पे लेकिन ऐसे मेरे स्टूडेंट्स को मैम प्रैक्टिस हमने सौ सवाल कर लिया हमें और करने

हम फ्यूचर को सुधार जरूर सकते हैं और उसके लिए लेना पड़ता है डिसीजन एक फैसला लेना पड़ता है और वो फैसला आप जितनी जल्दी लें उतना ही अच्छा है तो लेट वेट कुछ नहीं हुए हो पास्ट की कुछ रिकॉर्डिंग्स हम आपको गाइड करेंगे कौन कौन सी देखनी है प्लस कुछ ऐसे बैचेस भी अनाउंस होने के चांसेस हैं जिसमें वो स्क्रैच से पढ़ाएंगे एंड दे विल बी कंप्लीटिंग योर एंटायर टर्म वन सिलेबस इन 45 डेज प्लस बहुत अच्छे एडुकेटर्स तुम्हें 45 डेज में टर्म वन की तैयारी कराएंगे फिर टर्म टू तो पूरा पढ़ा है ना टर्म टू हम लोग अच्छे से पढ़ाएंगे इसी डिटेल में तो इट्स नेवर लेट तो यू कैन यूज कोड एमबी लाइव टू टेक द सब्सक्रिप्शन ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं आफ्टर अपलाइंग कोड एम बिलाइज जस्ट हैव अ लुक नीट जेई पे भी टॉप मोस्ट एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं कोटा के एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं इस वाले है उस पर यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे वो तो अपन सोचे यूट्यूब पे पढ़ लेंगे उनसे यूट्यूब है ही नहीं वो वो एडुकेटर्स है के वाइब्रेंट के बंसल्स के वो इसी में पढ़ा रहे हैं प्लस के गोल में और अगर आप अभी नॉर्मल सब्सक्रिप्शन ले तो ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के नाइन मंथ्स का या सिक्स मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अभी सफिशियंट है तो सिक्स तो नहीं नाइन का मेरे को लग रहा है क्योंकि ऐसा लगता है ना कई बार एग्जाम नहीं टल जाए तो नाइन मंथ्स का अगर आप लेते हैं आपको अच्छा खासा ऑफ भी मिल रहा है यू कैन यूज माई कोड एमबी लाइव मास्टर टेक द सब्सक्रिप्शन हाँ दो बातें बतानी मेरी जिम्मेदारी है एक बात तो ये कि आइकॉनिक वाले बच्चों को प्रायोरिटाइज किया जाता है बच्चे पूछते हैं मैम ये ले या ये ले तो आप मुझसे पूछते हैं मैं आपको यही बता देती हूँ बेटा आइकॉनिक में दो फायदे होते हैं एक तो आपको पर्सनल कोच मिलता है जो कि आपको पढ़ाता नहीं है वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व करता है वो आपकी स्ट्रेटेजी बनाता है टाइम टेबल बनाता है आपको कोई भी इशू होगा आपके पेरेंट्स को, को आपके बारे में बात करनी होगी तो वो फोन पे आपसे बात करता है आपके पेरेंट्स से बात करता है तो इस तरीके का कोच होता है सेकंडली आपको ऐप पे डाउट पूछने में प्रायोरिटी मिलती है मतलब ऐप प्रायोरिटाइज करती है टीचर्स नहीं ऐप प्रायोरिटाइज करती है वट इज द मीनिंग ऑफ प्रायोरिटाइजेशन सपोज करो

इट्स लास्ट डे टू सो यू कैन टेक दब्सक्रस्ट है ऑफर्स ये जेई के अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो प्राइस हाइक होने वाली है फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से अभी ये प्राइजेस है बाद में प्राइस बढ़कर के ये होने वाली है तो यू कैन टेक देखिए कौन कौन ज्वाइन कर चुका है अरे वाह यार आज बहुत मजे की मतलब बहुत मजे में टॉपिक्स है मतलब मेरे बहुत पसंद के टॉपिक्स है हाई नमाना लो ज्योत का कोरोना वायरस रीलो ये कौन है भाई मतलब ये अपना पुराना वाला आयुष है क्या या कोई नया है हम कोरोना वायरस कहां से लौट लौट के आ जाता है हाय वंशिका हेलो अतिका थैंक यू बेटा मैम यू आर अमेजिंग टीचर आई सॉ ऑल योर लेक्चर आर रियली एंड इवन सजेस्टेड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर दैट बेटा अतिका हाय ज्योतिका हेलो पढ़ना खुश रहो हाय अर्जुन हेलो मोनिका पाल चलो हाय काजल स्टार्ट करते हैं कॉपी लेके आए ना तुम लोग एक मिनट एक सेकंड रुकना बच्चों हाँ। चलो कॉपी लेके बैठे हो ना ये तीन सेकेंड है जो हमको करनी थी और आज काफी सारा कुछ करना है तो कॉपी लेके बैठना है ना आ, हम लोगों ने प्रिपरेशन कर दी थी उसका मैं शॉर्ट नोट्स का एक वीडियो बना दूंगी जब ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं तुम्हारे शॉर्ट नोट्स का भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगी डोंट वरी फॉर दैट जिसमें मैं प्रॉपर तो मैं ही तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी एंड ये देखो हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी जिसमें एक तो न्यूक्लोफिल सब्सिट्यूशन एक एलिमिनेशन एक रिएक्शन विद मेटल्स है तो एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विद मेटल्स तो हमारे अपकमिंग टॉपिक्स और बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं तो वो मैं तुम्हें तो क्लास में करवाऊंगी अभी हमारा चल रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन होता क्या है

पे न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करने का पंगा नहीं ले पाता क्योंकि सामने से उसको हैलोजन का नेगेटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है हैलोजन तो सामने से ये रिपेल करता है न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसको रिपल्जन ऑफर्ड होता है तो वो क्या करता है यहां से तो हट जाता है तो जब सामने से अटैक करने का नहीं मिलेगा मौका तो न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा पीछे से अटैक मारेगा याद रहे न्यूक्लियोफाइल को इंटरेस्ट किस में था न्यूक्लियोफाइल को इंटरेस्ट उस कार्बन में था जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां यहाँ अटैक मारता है कार्बन पे और हैलोजन को फाइनली जाना पड़ता है ये फर्स्ट स्टेप आपका स्लो होता है और इसी वजह से हम इसके अंदर दो स्पीशीज रहती है न्यूक्लियोफाइल भी आर एक्स भी इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं एस एन टू वॉट इज द मीनिंग ऑफ एस

एक है है तो SN1, तो ठीक ये हो गया हमारा SN2. अब इस विजुअल को है, कि ये आया तुम्हारा और, और हाइड्रोजन उल्टे मुड़ गए सबको नजर आ रहे जस्ट हैव अ लुक हाइड्रोजन क्या हुआ जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आया हाइड्रोजन हाइड्रोजन उल्टे मुड़ गए और एक्स को जाना पड़ा इधर देखो ये ऊपर नीचे इससे लगाए हैं ताकि तुम्हें पता लगे कि हाइड्रोजन वैसे ही उल्टे मुड़े हैं जैसे ये छतरी तेज हवा में उल्टी मड़ी है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं आज हम यही सब पढ़ेंगे बेटा आज की क्लास में वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है वॉट डू वी कॉल इट वॉल्डन इनवर्जन ठीक है बेटा सबको दिखाई दे रहा है एक बारी हम सब करेंगे ना चैट बॉक्स में या तो फिर स्माइल देंगे कि हाँ मैम समझ में आ रहा है कि जैसे न्यूक्लोफाइल आता है वैसे वैसे ही एक्स को जाना पड़ता है और हाइड्रोजन बिल्कुल इस छत्री की तरह उल्टे मुड़ जाते हैं इसीलिए हम इस प्रोसेस को इन्वर्जन बोलते हैं बेटा याद रहे नीट में जेई में और तुम्हारे टर्म वन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि एसेंटू कितने स्टेप्स में होता है बेसिकली हम ये मानते हैं ध्यान से सुनना बीच बीच में कोई जीन भी होगी हम ये मानते हैं कि एसेंटू एक ही स्टेप में होता है जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है एक्स को हाथों हाथ निकल के जाना पड़ता है ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं सिंगल स्टेप हम ये मानते हैं साथ साथ हो रहा है बॉन्ड बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होता है इज दैट ओके हैव आई मेड सेल्फ क्लियर कि बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साथ होते हैं इधर से ये आ रहा है और इधर से हाइलोजन को साथ साथ ही जाना पड़ता है रुकती नहीं है ये स्टेज तो हम क्या बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन ठीक है ओके अब आगे बढ़ते हैं रिएक्टिविटी भी देखे ना S2 की एन टू पर रिएक्टिविटी का क्या असर पड़ता है अपन ने क्या सीखा था न्यूक्लोफाइल सामने से अटैक नहीं कर पाता क्योंकि हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो न्यूक्लोफाइल कहां से आता है बैक साइड से आता है बैक साइड में आने में उसे भीड़ का नहीं चाहिए भाई टिकट खिड़की होगे टिकट खरीदने जाओगे दिखेगी। दिखेगी। खरी तो जब ये एंट्री लेगा तो इसको भीड़ नहीं चाहिए ये छोटे छोटे से हाइड्रोजन इसको भीड़ क्रिएट नहीं करेंगे तो आराम से बहुत बढ़िया रिएक्टिविटी के साथ किसी पैरामीटर पे सपोज इसकी रिएक्टिविटी थर्टी है हमने जहां एक एलकाइल ग्रुप लगा दिया जहां हमने एक ग्रुप लगा दिया रिएक्टिविटी घट गई एस एन टू की क्यों क्योंकि भाई एक लाइन देखोगे टिकट खिड़की पे तो सोचोगे ना यार टिकट ले लाइन में खड़े हो या निकल लें यहां से ये दिमाग में आता है ना तो यही चीज इसके भी आई है तो रिएक्टिविटी कम हो गई है फिर आप देखो दो दो एल्काइल ग्रुप लगाते रिएक्टिविटी और कम हो गई है हालांकि ये भी एस एन टू से रिएक्ट करता तो है ऐसा नहीं कि रिएक्ट नहीं करता करता है ठीक है और लास्ट में अगर आपने थ्री डिग्री कर दिया तो प्लीज बच्चों ये चीज ध्यान रखना ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपने थ्री डिग्री कर थ्री डिग्री एल्काइल हेलाइड ले लिया तो उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा रिएक्टिविटी पे जीरो

sn2 मैकेनिज्म से रिएक्शन नहीं होता ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं ये ध्यान है तुम लोगों को कि कैसे ये कौन है ये न्यूक्लियोफाइल है किसमें इंटरेस्ट है इसको किसमें इंटरेस्ट है टॉम को किसमें इंटरेस्ट है जेरी में तो ये कौन है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है जिसमें एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल को इंटरेस्ट है ये कौन है स्पाइक स्पाइक क्या डिजाइनट कर रहा है स्पाइक नेगेटिवली चार्ज को कर रहा है क्योंकि कार्बन से हेलोजन चार्ज है तो ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में लड़ते हैं ना ट्रिपलजन क्रिएट करते हैं तो ये सामने से नहीं आ पा रहा है कहां से आता है पीछे से आता है ठीक है पीछे से आया इस केस में बहुत बढ़िया अटैक करेगा इस केस में हाँ इस केस में बहुत बढ़िया अटैक करेगा तो वो इनके मुंह इस तरफ हो गए इस केस में अटैक की प्रोबेबिलिटी कम होगी क्योंकि स्पाइक का एक वर्जन आ गया डुप्लीकेट उसके बाद यहां पे और ज़्यादा कम हो जाएगी पॉसिबिलिटी अटैक की और अब क्या हो जाएगी जीरो तो ये क्या, मतलब क्या कर ही तो नहीं पा रहा हूं तीनों जगह सामने स्पाइक आ गया ये स्पाइक क्या डेजिग्नेट कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कौन तो किसको डिनोट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल को और ये तीनों वर्जंस किसको डिजाइनेट कर रहे हैं अल्काइल ग्रुप्स को ठीक है तो आप देख पा रहे हैं कि कार्बन तक पहुंचने के लिए इसको हैलोजन भी रोक रहा है ये भी रोक रहे हैं ये पूंछ दिखा के निकल लेगा सबको ध्यान है ये रिवीजन हो गया ठीक से पूंछ दिखा के निकल लेगा मतलब SN2 के तरीके से तो रिएक्शन नहीं होगा तो लेट एस टॉक अबाउट रिएक्टिविटी सबसे फास्ट रिएक्शन होता है वन डिग्री में फिर टू डिग्री में फिर थ्री डिग्री में व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हम एस टू की बात कर रहे हैं एस टू तो क्या मैम न्यूक्लियोफाइल इस केस में कार्बन पे अटैक कर ही नहीं पाएगा क्या मैम टॉम जेरी को पकड़ ही नहीं पाएगा इस केस में नहीं बेटा टॉम जेरी को पकड़ेगा प्लान बनाएगा अभी नहीं आएगा अभी तो पूछ दिखा के सरक लेगा फिर प्लानिंग होगी, ठीक है? कैसी प्लानिंग होगी अगली प्लानिंग है जिसका नाम है एस एन वन क्या नाम है एस एन वन वॉट एस स्टैंड फॉर सब्सिट्यूशन एन न्यूक्लियोफिलिक वन स्टैंड फॉर यूनिमोलिक्यूलर एक मोलिक्यूल क्यों क्योंकि टॉम तो निकल लिया ना स्लो स्टेप में टॉम ने तो मना कर दिया मैं नहीं अटैक कर रहा हूं फिलहाल तो मना कर दिया तो टॉम इज नॉट पार्ट ऑफ द शो नाउ इसका जो रेट ऑफ रियाक्शन है जो स्पीड ऑफ रियाक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है ओनली अलकाइल ए लाइट पे बेटा ध्यान से पढ़ना मैं जय नीट के सवाल लेके आई हूं आज ठीक है मतलब ध्यान से पढ़ना क्योंकि आज मैं तुमसे ऐसा कुछ ऐसे कुछ एक दो क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि जेई नीट में आ चुके हैं तो देखते हैं कितने यूट्यूब आंसर दे सकते कि नहीं दे सकते ठीक है ओके तो ये रेट ऑफ रिएक्शन प्रपोर्शनल टू ओनली न्यूक्लियोफाइल इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्लो स्टेप ठीक है तो अब जरा ये वाला विजुअल देखो मैं यहां तुमको समझाती हूं होता क्या है जो सॉल्वेंट है वो भी इस प्रोसेस को जो एस एन मतलब मैं तुम्हें तो क्या बोला था अच्छा लिंक नहीं बिठाया एस एन टू से तो होगा नहीं अब किससे होगा एस एन वन से होगा कुछ याद है पिछली क्लास में एस एन वन क्या होता था एस एन वन वो होता था जिसमें थ्री डिग्री अल्काइल हैलाइड यह देखो कार्बन है थ्री डिग्री अल्काइल हैलाइड है ठीक है इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को मना कर देता है तो कार्बन खुद ही हैलोजन को छोड़ देता है कार्बन कहता है कि मेरे को हेलोजन चाहिए ही नहीं हेलोजन को खुद ही निकाल देता है और क्या बना देता है प्लेनर कार्बोकेटाइन बना देता है ठीक है है डिग्री बना देता इज प्लेनर पर क्या को निकालने में सॉल्वेंट का भी हाथ है बिल्कुल है बेटा देखो अब इस विजुअल को देखो ये पिंक कलर का हेलोजन है सॉल्वेंट आएगा ये देखो आया सॉल्वेंट इसको उखाड़ के ले जाएगा न्यूक्लियो इसको हेलोजन को हेलाइड को देखो कैसे लेके जाएगा ये गया बॉन। है वो वो दिख रहा ठीक है? है ये देखो आप कैसे सॉल्वेंट आकर के तोड़ के ले जाएगा देखो ऐसा घेरा बना के ये देखो ले गया और ये आपका बचा कौन प्लेनर कार्बो यहां तक सबको समझ में आया एस एन में कि सॉल्वेंट का भी रोल होता है उसको तोड़ के लेके जाने में यस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किस तरीके से अब ये बेटा क्या होता है कि ना आ, मेमोरी इंसान की अच्छी होती है तो पढ़ाने के बजाय मैं ये सब पे काम करती हूँ ताकि तुमको याद रहे चीजें तो सॉल्वेंट किस तरीके से न्यूक्लियो और ये सीधा होती हुई दिखा ना तुमको ये सीधा हो गया पहले मुड़ा हुआ था अब ये सीधा हो गया एस एन वन केस में तो ये सॉल्वेंट लेके गया आयन को अभी तक न्यूक्लियोफाइल की एंट्री नहीं हुई है अब आएगा फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और देखो कैसे फिर इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ बॉन्ड बना फास्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल है ये जो पोर्शन आया ना ये पूरा न्यूक्लियोफाइल है तो देखो अब न्यूक्लियोफाइल आया जब हैलोजन गया तो सेकंड स्टेप में आया न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है सबको तो न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट बाद में है है पहले नहीं है। मतलब टॉम ने क्या प्लान बनाया कि मैं जेरी को शुरू में नहीं पकड़ूंगा पहले जेरी दोस्तों की मदद से खुद स्पाइक को रवाना करेगा और मैं बाद में अटैक करूंगा जब जेरी अकेला होगा तो ये बाद में आया जब ये अकेला पड़ गया कार्बोट ठीक है तो अब इसको हमने क्यों बोला एस एन वन उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों ने शायद पढ़ी नहीं है तो वो मैं बता देती हूँ थ्री डिग्री अल्काइलाइड है ध्यान से देखो बेटू ये थ्री डिग्री अल्काइलाइड है पहले ही स्टेप में इसने सॉल्वेंट की मदद से हेलोजन छोड़ दिया और क्या बन गया प्लेनर कार्बोकेटायन बन गया ठीक है प्लेनर कार्बोकेटायन बन गया दिस वन इज स्लो स्टेप ये स्लो स्टेप है और हम जो सुपर स्टेप लगाते हैं ना वो जो वन लगाते हैं मतलब ये वन ये क्या चीज होती है ये स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट्स हैं उसका नंबर होता है तो स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल तो था ही नहीं मतलब न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती इसकी स्पीड ऑफ द रिएक्शन तो स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं होने की वजह से सिर्फ एक ही स्पीशी होने की वजह से हमने एक लगा दिया इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट तो अब फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके धम से अटैक कर लेगा ठीक है तो अब क्या होगा अब तो एलका मतलब वो बन ही जाएगा R -N -U, ये जो भी कंपाउंड मिलके बन जाएगा बट न्यूक्लियोफाइल स्लो स्टेप में नहीं आया इसीलिए हमने क्या लगा दिया इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सबको क्लियर हो रहा है इसी को एनसीआरटी में पढ़ो जरा तुम एनसीआर रीडिंग करो इसी की देखो एस एन वन के बारे में पढ़ रहे हैं अपन एस एन वन के बारे में पढ़ रहे हैं और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट अकर्स इन टू स्टेप्स एस एन टू अकर्स इन वन स्टेप एस एन वन अकर्स इन टू स्टेप्स ये तुम्हारे इस तरीके के सवाल बन सकते हैं टर्म वन के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टेप वन में जो पोलराइज्ड सीबीआर बॉन्ड होता है पोलराइज का मतलब जिसमें ब्रोमीन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचोगे तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा पार्शियल कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव तो पोलराइज्ड बॉन्ड अंडर गो स्लो क्लीवेज धीरे धीरे कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटता है प्रोड्यूसिंग और फिर जो कार्बोकेट बनता है उस पर न्यूक्लियोफाइल स्टेप टू में ये देखो स्टेप टू में अटैक करता है कि फर्स्ट स्टेप स्लो था जिसमें धीरे धीरे हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है जिसमें सॉल्वेंट भी रोल प्ले कर रहा है ये देखो ये बॉन्ड टूटेगा यहां देखना तुम ये टूटेगा ये सीधा हो रहा है देखो तुम ये टूट गया और सॉल्वेंट इसको लेके जाएगा ठीक है तो फर्स्ट स्टेप तो ये था स्लो इसमें कहीं हमें न्यूक्लियोफाइल नजर नहीं आया था सेकेंड स्टेप में अब अकेला देखकर न्यूक्लियोफाइल इस अटैक मारेगा ठीक है तो अब यही चीज अपन बोल रहे हैं कि पहले ये एनसीआर में यही तो लिखा है कि स्टेप वन में ये पहले ही ब्रोमाइड आयन को छोड़ देगा और नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल स्टेप टू में अटैक करेगा क्लियर हो गया सबको जल्दी जल्दी बताओ इतने प्यार से देख रहे हो कि कोई चैट ही नहीं चल रही है मेरे यहां चैट रुक गई है अभी स्पैम नहीं करो नियति माहूबिया मैं कुछ पढ़ा रही हूँ मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करो बेटा प्लीज एंड में बताऊंगी मैं तुम्हारे सवाल का जवाब मतलब इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं क्लियर ओके okay. चलो तो अब आगे पढ़ते हैं इसका मतलब एस एन वन की रिएक्टिविटी किस केस में ज्यादा होगी एस एन वन की रिएक्टिविटी बल्किअर में ज्यादा होगी और एस एन टू की रिएक्टिविटी हल्के में ज्यादा होगी तुमको वो एग्जांपल याद है भाई अः वैष्णो देवी तो हर कोई जाएगा जो आलसी है वो गधे पे बैठ के जाएगा खच्चर पे और जो एथलीट है फुर्तीला है आलस जिसमें है ही नहीं वो भग, भग के जाएगा चढ़ाई चढ़ के जाएगा पहुंचेगा सब हल्का फुल्का है तो ऐसेन टू मैकेजम से अप, अपने प्रोडक्ट में बदलेगा और भारी भरकम है तो ऐसेन वन से बदलेगा लेकिन सब कोई बदलेगा केक कटेगा सब में बटेगा मतलब

कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो बेटा हेलोजन का क्या बॉन्ड लंबा होता है ना तो वो आसानी से टूट जाता है इसलिए इसको हम अच्छा लीविंग ग्रुप बोलते हैं मतलब आसानी से चले जाने वाला हैलोजन कौन है आयोडीन है तो रिएक्टिविटी ज्यादा फास्ट रहेगी चलो थोड़ा सा टेस्ट दे दो इन एसेंट टू सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एज फॉलोज क्विकली अ टेस्ट कब खत्म होगा? ये क्या सवाल हुआ बेटा? तुम लोग जल्दी-जल्दी जल्दी-जल्दी सीखना शुरू शुरू कर दो मैं जल्दी 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 भागना सही है। सब सही। कि सब अपनी से आंसर करते हो कि चीटिंग करते हो मुझे सच सच बताना इन एसेंट रियक्शन सीवेंस ऑफ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एजो बॉन्ड ब्रेकिंग इज फॉलोड बाई फॉर्मेशन इज फॉलोड बाई ब्रेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग इन फॉर्मेशन आर साइमलटेनिय ब्रेकिंग रैंडमली सी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ एक सेकेंड एक सेकेंड वेट करना तब तक तुम रिवाइज करो मैं इसको वापस से करती हूँ है ना ठीक है बच्चों में दिख गई हाँ चलो इसका आंसर बताओ अरे यहां खुलेआम चीटिंग हो जाती है अभी अभी यहां खुले आम चीटिंग हो जाती है पता तुमको हाय यश गुप्ता प्लस पे तो मैम एकदम कॉल ही लगा देती हैं बुक खोलना और दूर सोचने का मौका भी नहीं मिलता प्लस में क्लास के अंदर कॉलिंग सिस्टम रहता है ना ओके थैंक यू पीयूष गोयल फॉर सपोर्टिंग अरे आंसर तो बताओ रे क्या कर रहे हो विच सोचो मैं अच्छा मैं आगे खड़ी हो गई एम सॉरी विच ऑफ द दॉलिंग रिएक्शन विल गो फास्टर इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज रेज न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन बढ़ाने से इनमें से कौन सा जो रिएक्शन होगा वो फास्टर हो जाएगा कौन है हमारे क्लास का स्मार्ट बच्चा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्यों है ये हाँ सावन में समझा तो दूंगी बट एक बार आप ट्राई तो करो ना मैं तो समझाऊंगी ही सी लग रहा है सी लग रहा है चलो देखते हैं पहला वाला कौन सा डिग्री प्रिडिक्ट करना जरा ब्रूमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है एक मिनट पेन ऑन कर लेते हैं ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो दो और कार्बन से अटैच है फर्स्ट वाला है 2 degree. ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही और कार्बन से अटैच है वन डिग्री ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो तीन कार्बन से अटैच है थ्री डिग्री जैसा कि मैंने आपको बोला था थ्री डिग्री एस एन टू से रिएक्ट नहीं करता सिर्फ वन डिग्री एंड टू डिग्री कर सकते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड के केस में न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन रोल प्ले करेगी आपको याद हो तो एस एन टू में हम क्या एक्सप्रेशन लिखते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू अच्छा कितने बच्चों को ये समझ में आता है जब मैं ये ये एक्सप्रेशन लिखती हूं नहीं तो मैं एक बहुत मस्त एग्जाम्पल से समझाऊंगी ये क्वेश्चन थोड़ा सा गहरा है ठीक है थोड़ा गहरा है जेई नीट का क्वेश्चन तो गहरा है एक्सप्रेशन कितने बच्चों को समझ में आता है बताओ तुम हो देखो लाइक करवा के फॉर्मूला शेप मांग पीयूष बना दूंगी बेटा अंशत्री को का तो सब आता है लीडर बोर्ड पे आता है ना अंशत्री मेरा नहीं आता वंशिका अग्रवाल को नहीं आता कईयों को नहीं आता गौरव को भी नहीं आता देखो हर्षिता को भी नहीं आता अच्छा खाली स्लाइड लगा रही हूं रफ पेज लगा रही हूं अबे रफ पेज लगा के तुमको एक नई चीज सिखाऊंगी नोट करना जरा देखना केमिकल काइनेटिक्स नाम की चीज होती है कि कौन कौन से स्टेप्स पे किसी भी प्रोसेस की स्पीड डिपेंड करती है फास्ट पढ़ाऊंगी ध्यान से सुनना बात को जो हम लिखते हैं ना एस एन वन हम क्या चीज लिखते हैं फॉर एस एन वन एक सेकेंड फॉर एस एन वन ध्यान से सुनना बिट्टू टू एस एन वन के लिए हम लिखते हैं कि रेट रेट मतलब स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू ओनली एल्काइल हेलाइट की कंसेंट्रेशन ठीक है तो इसकी पावर वन है इसलिए वो वन आ रहा है फॉर एस एन टू एस एन टू आपके एनसीआरटी में भी ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है रेट इज प्रोपोर्शनल टू आर एक्स भी और न्यूक्लियोफाइल भी ठीक है मैं अब इन दोनों की पावर क्या वन तो वन प्लस वन यहाँ टू अब आ, काफी सारे बच्चे इसको रट लेते हैं और मैंने आपको क्या बताया कि स्लो स्टेप में जो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो एज पावर लगाए जाते हैं जैसे एस एन वन केस में न्यूक्लियोफाइल नहीं होता स्लो स्टेप में तो इसलिए वन लगा देते हैं और एस एन टू के केस में न्यूक्लियोफाइल भी होता है और अपना अल्काइल हैलाइड भी होता है तो टू लगा देते हैं बट इसकी गहरी मीनिंग क्या है इसको रटना नहीं है इसका इसका गहरा मीनिंग क्या है सुनो तुम ऑफलाइन सपोज मुझसे पढ़ने आते हो फिजिकल क्लास रूम के अंदर मेरे से पढ़ने आते हो तुम्हें क्लास में बहुत तेज भूख लग गई है भूख लग गई खाने के एग्जाम्पल जैसे ही क्लास की छुट्टी हुई तुम घर गए घर गए और घर पहुंचते ही मम्मी को बोला बहुत तेज भूख लगी है जो बनाए दे दो एकदम बहुत तेज भूख लगी है कंट्रोल नहीं हो रहा तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए फिलहाल कुछ नहीं बनाया है तो मम्मी कहेंगी बेटा टाइम लगेगा खाना तो अभी बना नहीं है ठीक है एग्जाम्पल दे रही हो तो मम्मी कुछ बना दो जो फटाफट बन जाए वो भी बना दो मुझे बहुत भूख लग रही है तो मम्मी कह रही कि चल एक काम करते चावल बना देती ठीक है राइस खा ले राइस बना देती हूँ अब राइस बनाना तीन स्टेप्स की प्रोसेस है थ्री स्टेप्स की प्रोसेस है पहला है राइस को वॉश करना ऑफ कोर्स बिना धोए हुए तो मम्मी बनाएगी नहीं वॉश करेगी दूसरा स्टेप है राइस कुक होगा ठीक है और तीसरा स्टेप है कुक होने के बाद सर्व होगा तुम्हारी थाली में मुझे बताओ कि कौन से स्टेप के बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे भाई वॉश करना तो फटाफट मम्मी की स्पीड पता ही तुम्हें वॉशिंग की धमाधम 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 तो ये कौन सा स्टेप क्या लाएगा बेटा फर्स्ट वाला फास्ट कुकिंग अपने आप में एक समय लेती है दस मिनट भी लग सकते हैं पंद्रह भी लग सकते हैं बीस भी लगते हैं हम इसको क्या मानेंगे स्लो इनफैक्ट स्लोएस्ट सर्विंग तो मम्मी फट से डाल देगी थाली के अंदर फास्ट कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है जल्दी बताओ कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है कुकिंग वाला सावन एग्जैक्टली exactly. कुकिंग का है ना तो मम्मी ने तुमसे एक्चुअली जो समय मांगा ना कि बेटा तुझे भूख लगी है तो थोड़ी देर रुक मैं फटाफट कुक करती हूँ चावल बनाती हूँ तेरे लिए गर्मा गर्म तू खाना तो उस पूरी प्रोसेस को चावल किचन से लेकर के धूल के बन के थाली में सर्व होके के तुम्हारे पेट में जो पहुंचे हैं तो उसमें जो टाइम लगा है उसमें सबसे ज्यादा टाइम कुकिंग ने खाया है कुकिंग ने सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम किया है इसलिए पूरी प्रोसेस का जो एवरेज है या जो स्पीड है वो इस पे डिपेंड करता है मम्मी तुमसे वॉशिंग का समय नहीं मांगेगी सर्विंग का समय नहीं मांगेगी जबकि वो भी प्रोसेस का पार्ट है वो तुमसे बोले कि इसमें कम वक्त मारे में प्रॉब्लम लगे कुकिंग में टाइम लग रहा है तो स्लो स्टेप वो है जो पूरी रिएक्शन की स्पीड को डिसाइड करता है ये जितनी जल्दी होगा तुम्हारे थाली में चावल उतनी ही जल्दी पहुंचेगा जितनी जल्दी ये होगा एक और एग्जाम्पल देती हूँ ये तुम्हारा घर है ये तुम्हारा स्कूल है ध्यान से देखना पहला वाला तुम्हारा क्या है घर है घर हिंदी में लिख रही हूं घर ये स्कूल है घर से गली खुलती है जो बिल्कुल ट्रैफिक ही नहीं है आराम से खाली पड़ी रहती है फिर एक हाईवे है मेन रोड है जो बहुत ट्राफिकी हो सकती है नहीं भी हो सकती और फिर गली में मुड़के स्कूल है दोस्त कह रहा है भाई स्कूल कितने बजे तक आ रहा है सुबह सुबह कॉल आए कितने बजे तक पहुंच रहा है स्कूल तुम कह रहे हो यार यहां से लेकर के ए से लेकर के बी तक पहुंचने में तो मुझे बहुत चंद मिनट लगेंगे सर असि देर लगेगी बहुत जल्दी पहुंचूंगा इधर मोस्टली मेरे को ट्रैफिक मिलता है ट्रैफिक ठीक है तो इधर मुझे नहीं पता मैं कितना भी अटक सकता हूं चाहो अगर नहीं मिला ट्रैफिक तो पांच मिनट का रास्ता है मिल गया तो बीस मिनट भी हो सकता है आधा घंटा भी हो सकता है और अगर बहुत ज्यादा मिल गया तो हो सकता है मैं अटक ही जाऊं ट्रैफिक में देन दिस इज फास्ट तो पूरी जो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में तुमको जो समय लगने वाला है वो ए टू बी में लगने वाला है बी टू सी में लगने वाला है सी टू डी में लगने वाला है कौन सी प्रोसेस डिसाइड करेगी कि तुमको स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा कितना समय लगेगा इसमें से कौन सा स्टेप ये डिसाइड करेगा क्या ये वाला स्टेप जो फास्ट था या था exactly, B to C, exactly. मतलब स्लो स्टेप प्रोसेस की स्पीड को डिसाइड करता है यहां ट्रैफिक नहीं मिला लेट से तो फटाक से पहुंच जाओगे स्कूल और यहां ट्रैफिक में अटक गए तो चाहे तुम कितनी भी गाड़ी भन्नाते हुए निकले हो कितनी भी गाड़ी तुमने यहां फास्ट करी है

मम्मा कुकिंग वाले स्टेप से सबसे डर रही है क्योंकि मम्मा को पता है कि कुकिंग ही मेरी एवरेज बिगाड़ेगा वॉश तो मैं बहुत जल्दी करूंगी और सर्व तो मैं उससे भी जल्दी करूंगी लेकिन मेरा बच्चा भूखा इस स्टेप की वजह से रहेगा क्योंकि ये स्लो है कम वक्त मारा यही मेरी स्पीड को इफेक्ट कर रहा है मम्मी खुद भी तड़प रही है यार जल्दी से खाना बना के बेटे को दू या बेटी को दू लेकिन वो कुकिंग से घबरा वो कुकिंग से उनको प्रॉब्लम है यार कुकिंग में बहुत देर लगती है वॉश तो फटाफट होता है सर्फ तो फटाफट होता है तो फटाफट वाले स्टेप्स जो होते हैं वो स्पीड को इफेक्ट नहीं करते कौन से वाले स्टेप्स इफेक्ट करते हैं स्लो को जिस सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा आए हैं वो ठीक है लेकिन जिसमें कम आए हैं ना वो पूरी परसेंटेज बिगाड़ देता है तुम्हारे 90, 95, 89, ये नंबर आए सब सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट में आए हैं पैंतालीस फोर्टी फाइव खत्म स्टेप बहुत बिगाड़ा करता है बेटा ट्रैफिक जाम में फंस गए तो तुम कितनी भी तेज चला रहे थे कहीं भी चला रहे थे ट्रैफिक जाम तुम्हारी पूरी एवरेज बिगाड़ देगा डू यू एग्री विद डैट कि स्लो स्टेप सबसे ज्यादा बिगाड़ा करता है है ना आज सुन रहे ध्यान से चैट बॉक्स में आज मामला है ना तो अब इस बात को तो देखो मैं मैं ये अभी स्लाइड चेंज कर रही हूं रुकेगी नहीं तो इसकी फोटो ले लेना ले तुम तो।, तो हम ये जो एक्सप्रेशन लिखते हैं ना बेटा ये वाले जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं ये हम स्लो स्टेप्स के बेसिस पे क्यों लिखते हैं रेट का मतलब होता है स्पीड ठीक है और हम ये लिखते क्या है बाय द वे हम लिखते हैं स्लो में कौन है जैसे इस रिएक्शन के लिए मैं अगर ये एक्सप्रेशन बनाऊ तो कैसे बनाऊंगी स्पीड यानी रेट इज प्रपोर्शनल टू कुकिंग टाइम कुकिंग वाले स्टेप के है कुकिंग सर्विंग नहीं लिखा मैंने वॉशिंग नहीं लिखा मुझे पता है बहुत जल्दी होगा लेकिन मेरी स्पीड को ये कुकिंग सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा इसलिए स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है कुकिंग के यहां पे मैं स्पीड किसके प्रोपोर्शनल बता रही हूं ये बी टू सी ट्रेवल के प्रोपोर्शनल बता रही हूं बी टू सी तो स्लो स्टेप रेट को बहुत अफेक्ट करता है और इसीलिए हम एस एन वन एस एन टू में स्लो स्टेप से रेट लॉ लिखते हैं अब तुम ध्यान से देखो स्टेप वन इसका स्लो था स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं था तो हमने इसका रेट लॉ कैसे लिखा है हमने इसका रेट लॉ ऐसे लिखा है देखो रेट इज प्रोपोर्शनल टू ओनली ओनली एलकाइव हेलाइट नॉट न्यूक्लियो फाइल क्योंकि न्यूक्लियर तो स्लो स्टेप में है ही नहीं और पूरी पूरी एवरेज ही स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है तो इसलिए हम इसका एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं कि स्पीड ओनली डिपेंड्स अपॉन आर एक्स फॉर एस एन वन एस एन वन के लिए पूरी की पूरी स्पीड आर एक्स पे ही डिपेंड करती है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्लो स्टेप में है ही नहीं जबकि एस एन टू में तो था एस एन वन में नहीं था एस एन टू में तो था ये देखो एस एन टू में ये एक्सप्रेशन लिखा था अपन ने स्पीड्स डिपेंड अपॉन न्यूक्लियोफाइल भी और आरएक्स भी क्यों क्योंकि स्लो स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल भी था आरएक्स भी था इसका मतलब एक डिफरेंस है एस टू में न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन स्पीड को इफेक्ट नहीं करेगी लेकिन एस टू में करेगी और एस वन में नहीं करेगी अब इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा आप समझ में आया तुमको गहरा क्वेश्चन था अच्छा सवाल था वो कह रहे हैं कि इनमें से किसकी स्पीड इफेक्ट होगी अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन को हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं तो किसकी स्पीड इफेक्ट होगी बेटा उसी की स्पीड इफेक्ट होगी जिसकी स्पीड न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करती है जिसके स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है तो स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल किसके था एसन टू में था तो इनमें से एसन टू किस में हो सकता है ये टू डिग्री इसमें हो सकता है ये वन डिग्री इसमें हो सकता है थ्री डिग्री में एसन होता ही नहीं है तो इसमें न्यूक्लियोफाइल की जो कंसेंट्रेशन है उसका स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इन्वॉल्व ही नहीं है स्लो स्टेप में ठीक है तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड सी इज द करेक्ट आंसर अब बोलो आया समझ तो फिर अब ये स्टार्ट करें आगे ना अच्छे से चलो गुड गुड अब आगे चलते हैं हर चीज पता हो ना तो मजा आता है पढ़ने का

वो इस छन्नी चन, से छन के सारे के सारे उधर नहीं जा सकते वाइब्रेशन इस जेल की दीवारों के पैरेलल हो रहा है वो ही निकल सकता है वो मारियो नहीं था एक गेम हुआ करता था बच्चों मारियो वाला तो जैसे वो मारियो ऐसे उछल उछल के चलता था ऐसे उछल उछल के याद हो तो तो अगर सपोज करो कि इस तरीके की जेल की दीवारें लगी हुई है एक दो तीन चार पांच और मारियो ऐसे से पतला सा है तो वो ऐसे ऐसे उछल-उछल के चल रहा है ठीक है तो उसमें से तो वो पार हो जाएगा लेकिन अगर ऐसे लगी हुई है ऐसे आड़ी क्या बोलते है इसको? होरिजौन्तल, होरिजौन्तल हैं इसको हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल दीवारें अगर तो मारियो ऐसे उछलेगा तो फंस जाएगा वहीं उछलता रहेगा आगे पार नहीं हो पाएगा समझ में आई बात आगे पार नहीं हो पाएगा तो इसमें भी सारे के सारे कंपोनेंट इसके पार नहीं हो सकते ये अपने अपने कंप्लीट पिक्चर है जो ये बताना चाह रहा है कि लाइट जिसके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सब दिशा में ऑसिलेट कर रहे हैं ऑर्डिनरी लाइट के हमने पोलराइजर से पास किया सिर्फ वही कंपोनेंट पार हो पाया जो इसके पैरल था जो सीधा चल रहा था यू वाला नहीं हुआ यू वाला भी अटक गया यू वाला भी अटक गया सारे अटक गए ये सीधा वाला पार हो गया अब ये लाइट जो पार हुई उसको हम क्या बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं डेट शीट आ गई क्या देखती 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 अरे स्पैम मत करो प्लेन प्लेन पोलराइज पोलराइज लाइट लाइट अब का हमारे लिए क्या यूज है प्लेन पोलराइज लाइट का हमारे लिए ये यूज है कि जब तुम पोलराइजर से पास करके प्लेन पोलराइज लाइट को किसी सैंपल मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में से निकालते हो गुजारते हो तो कई बार उसके जो लाइट का पोलराइजेशन का डायरेक्शन है वो बदल जाता है बदल जाता है ध्यान से सुनना और कितन, जो बदली हुई लाइट का डायरेक्शन है वो ये इंडिकेट करता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तुम्हारा वो ऑप्टिकली एक्टिव है अब इसको सुनना पहले मेरी बात को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स केमिस्ट्री में दो तरीके के कंपाउंड्स होते हैं एक वो जो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं एक वो जो ये 11th क्लास का टॉपिक है बट इलेवंथ नहीं आए मेरे 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 को मालूम ऊपर ही छोड़े हुई है तुमने पूरी 11th अपनी ये आना चाहिए था तुमको में में तो 12th की बात पटाक से समझ में आ जाती पर मैं तुम्हें चीज़ बता देती कि दो तरीके के कम्पाउंड होते हैं कौन से एक वो जिनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव दूसरे वो जिनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव कुछ मतलब कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज लाइट के पोलराइजेशन के डायरेक्शन को बदल देते हैं बदल देते हैं कुछ कंपाउंड्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो लाइट के पैरामीटर्स के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं और इंटरफेयर कर करके जब सपोज कोई लाइट जो है वो इस दिशा में पोलराइज है तो उसको बदल देगा प्लेन को धक्का मार के टेढ़ा कर सकता है इधर झुका सकता है ठीक है तो अगर अगर किसी कंपाउंड में ये हैसियत है कि वो लाइट के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को बदल दे उसके लाइट के साथ इंटरफेयर करके तो हम उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ठीक है क्या बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेकिन अगर कोई कंपाउंड ऐसा ना कर पाए तो हम उसे क्या बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है आप उन्हें दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो पहला कैटेगरी ऑप्टिकली एक्टिव व्हाट इज द मीनिंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स जिनमें से अगर तुमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुज़ारी जो सिंगल प्लेन में पोलराइज़्ड है तो जब वो गुज़र के बाहर आएगी तो टेढ़ी होके निकलेगी घुसेगी सीधी निकलेगी टेढ़ी ये लाइट को क्या हो गया भाई लाइट के साथ कौन इंटरफेयर कर गया वो कंपाउंड और इसी सेंस में उसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मतलब लाइट के साथ छेड़छाड़ करता है ये ठीक है दूसरे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें लाइट जैसी की जैसी घुसी है वैसी की वैसी बाहर निकलेगी उसका प्लेन पोलराइजेशन नहीं बदलेगा ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड अब जरा देखो ये टेस्ट ट्यूब है ये अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ये ग्लास है ये ग्लास है टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या भरा हुआ है इससे मैंने कोई

तो ये लाइट के साथ कर गया ना ये कंपाउंड इसने दिवाली के फटाके समझ में आ रहा है? इसने दिवाली की लड़ी जो फटाके दिख रहे ना उनको जलाई कभी दिवाली भी आने वाली है तो ये लड़ी ऐसा नहीं लग रहा जैसे टेढ़ी कर दी लड़ी क्या है, ये? ये तो लाइट है। ये टेस्ट में क्या है सैंपल है लाइट को टेढ़ा कर दिया टेड़ा करते हम उस कंपाउंड को उस सैंपल को क्या बोलने लगेंगे क्या बोलने लगेंगे हम उस सैंपल को ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव तो फिर अगर कोई सैंपल ऐसा ना कर पाया तो लाइट को टेढ़ा ना कर पाया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा अब बेटा आपको पहचानना पटाखे की, ये compound, दिवाली की, की लड़ी को कर देगा नहीं लाइट मतलब को, तो को बोलूंगी तो आप कहेंगे मैम हम कौन सा ये पोलर मीटर लाएंगे और लाइट मारेंगे और, और सैंपल भरेंगे ऐसा कोई हमारे घर पर तो कोई सिस्टम नहीं है नहीं बेटा आपको ऐसे नहीं पहचानना आपको मैं टेक्निक दूंगी उससे आपको पहचानना है टेक्निक क्या सुनिएगा ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो लाइट की ये जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इसको बदल सकता है ऐसे वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट एक ऐसा कार्बन हो जिसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो एक ऐसा कार्बन भाई मल्टीपल कार्बन होते हैं कार्बन कंपाउंड्स में तो इफ यू फाउंड मिनिमम वन कार्बन इफ यू फाइंड मिनिमम वन कार्बन विद ऑल द फोर ग्रुप्स डिफरेंट ए बी सी डी ऑल द ग्रुप्स अटैच टू दैट वन कार्बन शुड बी डिफरेंट सच अंपाउंड इज नोन एज ए सीमिट्रिक मॉलिक्यूल और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूलियत होती है कि वो इस प्लेन पोलराइजेशन को टेड़ा कर देते हैं okay. ए सीमेट्रिक है. होना चाहिए अब आप एसीमेट्रिक कैसे पहचानोगे देखो आपके पहचानने का तरीका बताती हूं ये कार्योलिटी वायरलिटी सब बाद में बताऊंगी हा कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक ऐसा कार्बन हो जिसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट हों तो वो कंपाउंड इस फटाके की लड़ी को टेढ़ा कर देगा पहचानो जरा देखो मैं तुम्हें दो तीन एग्जाम्पल्स तो मैं करके दिखाऊंगी फिर तुमसे पूछूंगी कि भाई ये पटाके की लड़ी को टेढ़ा करेगा कि नहीं करेगा अब इस कार्बन पे तो तीनों हाइड्रोजन सेम है भाई तीन हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही होता है सेम ही होता है फेल ये कार्बन तो फेल हो गया टेस्ट में इसके दोनों सेम है फेल कंडीशन क्या है चारों ग्रुप अलग होने चाहिए तो इस कार्बन को देखो एक हाइड्रोजन एक मिथाइल देखो मैं बता रही हूं ये ऊपर हाइड्रोजन बना हुआ है इस तरफ मिथाइल बना हुआ है राइट साइड को नीचे ब्रोमीन लगा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगा हुआ है ये CH3, CH2, CH2, यानी C2H4. क्या आपको पहचान में आया कि हाँ मैम इसमें ये वाला कार्बन ऐसा है जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट है अगर आपको एक भी ऐसा कार्बन मिलता है मिनिमम ज्यादा भी मिल सकते हैं पर एक भी मिल गया तो वो कंपाउंड ऐसा होगा दिवाली के फटाखे की लड़ी को क्या कर देगा टेड़ा कर देगा मतलब लाइट के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को तो टू घुमा देगा ठीक है क्लियर समझ आता जा रहा है तो भी चलता रहना चाहिए यहां तो बातें ही अलग चल रही क्लास में मैम अपना अलग पढ़ाई जा रही है बातें अलग चल रही है ठीक है तो एटलीस्ट वन कार्बन आइटम ऑल द फोर डिफरेंट ग्रुप्स इसमें देखो जरा इस ये कार्बन में तीनों हाइड्रोजन सेम है ये कार्बन में तीनों हाइड्रोजन सेम है ये दोनों सेम है फेल फेल डब्ली बॉन्डेड कार्बन को हम कंसीडर भी नहीं करते वो गेम में उसको बोल दो हम तेरे को नहीं खिला रहे क्यों उसकी डिटेल में अभी मत जाना फ्यूचर में बताऊंगी लेकिन डब्ली बॉन्डेड कार्बन को हम खिलाते ही नहीं उस गेम में बचा कौन ये अब ये कार्बन है ये हाइड्रोजन है ये है इधर वो पार्टनर लगे हुए हैं जो जिनको हम गेम में नहीं खिला रहे इधर लगे हुए सीएच टू सी एच थ्री ठीक है तो क्या ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा क्या ये कार्बन ए सीमिट्रिक कार्बन कहलाएगा जिसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो ये कंपाउंड भी दिवाली के फटाके की लड़की को क्या कर देगा टेढ़ा इसको हम क्या बोलते हैं इसको ए सीमिट्रिक मॉडिक्यूर बोलते हैं ठीक है थीके? अब एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे करने की पोजिशन में हो एनसीईआरटी सॉल्व करने की पोजिशन में हो बेटो तो. देखो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर टेन पॉइंट एट करा रही हूं आइडेंटिफाई कायरल एंड एक कायरल अभी कायरल तो बताया नहीं रे कायरल तो बता दू क्या होता है chirality तो छोड़ दिया था काल का मतलब होता है टेढ़ा जो जो कर देते ना ये वाले जो कंपाउंड जिनको हम ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहे हैं इस फिनिना को हम कायरिटी बोलते हैं कायरिलिटी कायरिलिटी क्या चीज है नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी ऑफ मिररर इमेजेस ठीक है जो हमारे हाथ है ये पता थो नहीं थोड़ा बहुत पता है कि बहुत जीरो से बताना पड़ेगा मुझे ये बताओ अरे सुरेश पांडे प्लीज बेटा एक बार पढ़ा लेने दो है ना तुमको क्या है तुम लोग को मेंटी देनी रहती है सबको फिर नंबर तुम्हारे कम आएंगे फिर मुझे नहीं कहना कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो पहले <clears throat> कायोरिटी के बारे में मालूम है सबको पता है जब मोस्टली बच्चों को पता है ओके okay, थोड़ा बहुत पता है होती यार, है यार ऑप्टिक जो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो एक्चुअली दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं कोई भी कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को टेढ़ा कर सकता है ना few degrees जैसे उसने किसी ने दस डिग्री घुमा दिया किसी ने पंद्रह डिग्री घुमा दिया तो ऐसे कंपाउंड्स दो आइसोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम इनाश्यूमर्स बोलते हैं इनांश्यूमर्स में आपस में ये रिलेशन होता है कि अगर ये दो भाई की तरह है दो ट्वींस की तरह है इसमें से एक आइसोमर अगर प्लेन पोलराइज लाइट को दस डिग्री रोटेट कर सकता है राइट तो दूसरा भाई इसका दूसरा आइसोमर इसका ऑप्टिकल आइसोम बोलते हैं ना इनको उसी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता कर सकता है दस डिग्री लेफ्ट मतलब ऑप्टिकल कंपाउंड्स लुक्स लाइक अदर वे हैंड्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर ठीक है मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर दे लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट दे आर नॉट सेम दे आर डिफरेंट जो मैं राइट हैंड से कर सकती हूँ ना वो मैं लेफ्ट से नहीं कर सकती तो ये सेम नहीं है सिर्फ इनकी शक्लें सेम है ये मिरर इमेजेस एक दूसरे की लगते हैं बट ये सेम नहीं है तो यही हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के आइसोमर्स होते हैं अगर तुमका कि मैम हम ये तो पहचानना सीख गए हैं स्टार लगा के कि ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा उसको बांका टेड़ा कर देगा लेकिन अगर तुमने पहचान लिया कि हाँ कर देगा तो तुम मानना कि फिर वो दो भाई है एक दस डिग्री राइट करेगा तो बिल्कुल उसी के जैसे दिखने वाला उसी की शक्ल का भाई दस डिग्री लेफ्ट कर देगा ठीक है तो इसको हम क्या बोलते हैं इनश्यूमर्स जैसे कि हमारे हाथ होते हैं हाथ और हाथ हाथ के इस फिनोमिना को कि वो एक जैसे दिखते हैं पर एक जैसे, एक जैसा काम नहीं कर सकते हैं इसको हम कायरालिटी बोलते हैं एक हाथ का दस्ताना तुम्हारे इस हाथ में आ गया जो दस्ताना वो तुम इस हाथ में नहीं पहन सकते नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं हाथ ठीक है एक, एक हाथ का दस्ताना दूसरे में कभी फिट नहीं आएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल तो फिनोमिना को कायालिटी बोलते हैं और देखो अब इसका पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या लिखा है आइडेंटिफाई कायरल कायरल का मतलब तुम लोग के लिए सिर्फ इतना है ऑप्टिकली एक्टिव कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कैसे पहचानना सीखे ऑप्टिकली एक्टिव को थोड़ा ज्यादा हो गया क्या आज के लिए हम्म क्या समझ में आ रहा है बस तुमको पहचानना है कि क्या इसमें कोई ऐसा कार्बन है जैसे तुम्हारे पास ऑप्शन है ए और बी फर्स्ट एंड सेकंड इसमें से तुमको बताना है कि कौन सा वाला तो लाइट को टेढ़ा कर देगा कौन सा नहीं करेगा पहचानने का तरीका ये कि भाई जिसके पास ऐसा कोई कार्बन होगा जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो फर्स्ट कर देगा कि सेकेंड कर देगा बताओ ए वाला ना पहचान रहे हो ना तुम लोग पता नहीं मेरे को लगता है मैं तुम लोग अंडर एस्टिमेट करती हूँ कई बार मतलब बहुत बे बेसिक से पढ़ाने लग जाती हूँ लेकिन एक्चुअल में तुम लोग को चीजें थोड़ी बहुत आती होती हैं है ना ए करेगा गुड गुड तो ये देखो ए इस, इस कार्बन को देखो एक इसके पास ओ एच है एक पास हाइड्रोजन है एक इसके पास मिथाइल है एक इसके पास ब्रोमीन है तो चारों ही ग्रुप डिफरेंट है तो डिफरेंट होने की वजह से ये वाले कार्बन को हम ए सीमेट्रिक कार्बन बोलेंगे जिसको डॉट लगा रखा है और ए सीमेट्रिक कार्बन अगर है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है अब इस तरीका का कंपाउंड दो आइसोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तुम कह रहे हो ना मैम ये लाइट को टेढ़ा कर देगा तो इसके दो दो फॉर्म्स होंगे इसकी एक दस डिग्री अगर राइट घुमाता है या एक्स डिग्री राइट घुमाता है तो दूसरा उतने ही डिग्री लेफ्ट घुमाएगा इसको पहचानो ये कार्बन तो फेल है क्योंकि इस पे दोनों ग्रोमिन सेम है तो दो सेम हो गए ना फिर फेल ये नहीं कर सकता दूसरे वाले में पहचानो पहचानो क्या बात है माधव शर्मा वेरी गुड बेटा इसको पहचानो देखो ये कार्बन फेल क्यों क्योंकि इस पर तीनों हाइड्रोजन एक भी ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए हाँ तो तीनों हाइड्रोजन सेम ये भी फेल ये भी फेल ये देखो ओ एच एच सी देखो एक तो ओ OH एच हो गया एक हो गया एच इस कार्बन के ऊपर एक हो गया मिथाइल और एक हो गया प्रोपाइल चारों ग्रुप डिफरेंट है तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव फिर ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा एक अगर प्लेन पोलराइज लाइट को सर्टन डिग्री राइट कर सकता है तो दूसरा प्लेन पोलराइज लाइट को उतना ही डिग्री लेफ्ट करेगा और इसका जो वो दूसरा भाई होगा ना ट्विन ब्रदर वो बिल्कुल दिखेगा तो इसके जैसे पर कांड उल्टे करेगा ये दस द, दस डिग्री राइट करेगा वो दस डिग्री लेफ्ट करेगा इनको ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे ये नहीं कर सकता ये तो इनकेपेबल ऑफ रोटेटिंग प्लेन पोलराइज लाइट इसमें पहचानो फर्स्ट सेकंड में जल्दी 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 आर्या ने थर्ड वाले का आंसर दिया क्या सबका ये है क्या बात वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो ये देखो ये फेल क्योंकि जहां हम चारों डिफरेंट ग्रुप्स होने की बात कर रहे हैं वहां ये तीन तीन सेम हाइड्रोजन इसको फेल ही करेंगे फेल फेल ये वाला कार्बन देखो एक हाइड्रोजन है एक मिथाइल है एक ब्रोमो है एक इथाइल है पास ये कार्बन पास करा गया इसको बचा गया तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है फर्स्ट वाला सेकंड वाला नहीं है क्योंकि सारे ही कार्बन पे इतनी इतनी सारी हाइड्रोजन है तीन हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन ऐसे ऐसे वाले नहीं कर सकते कार्बन के चारों ग्रुप अलग होने चाहिए तब वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है ये बताओ इनमें स्टार लगा रखे मैंने सेंट्रल कार्बन पर चेक करके बताओ कि इनमें से कौन सा है ए सीमिट्रिक मतलब कौन ऑप्टिकली एक्टिव है थैंक यू शशीलता पाल दैट रियली मीन्स अ लॉट बेटा चैप्टर कब तक होगा चैप्टर uh, में बचा है देखो अगली क्लास में अगर हमने आज फिन तुम लोग हिम्मत दिखाओ तो मैं आज ही फिनिश कर दू टॉपिक ठीक है फिर उसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन और फिर रिएक्शन विद मेटल्स प्रैक्टिस के साथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है और uh, दो लेक्चर्स बचे हैं शायद तीन दो या तीन लास्ट थ्री मैक्सिमम थ्री इसका क्या आंसर है बी आ रहा है मेरे को भी चेक करना पड़ेगा देखो हाइड्रोजन uh, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये तो पास हो गया ड्यूटेरियम आयोडीन ब्रोमीन, क्लोरीन पास हो गया हाइड्रोजन मीथाइल इथाइल ओ एच पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन फेव चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए थे एबीसी एबीसी बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है बहुत ही प्यारे बच्चे तो अब इस S1, S1, का एक नया नजरिया समझ लो मैं ब्रीफिंग कर रही हूं। अब तुम लगाना होमवर्क में जरूर लगा लेना ठीक है मैं ब्रीफिंग कर रही हूं कि वॉट एस्पेक्ट क्या है मैंने क्यों पढ़ाया तुमको या एनसीआरटी के कोर्स में क्यों डाला हुआ है स्टीरियो केमिस्ट्री फाइनली फाइव मिनट्स की ब्रीफिंग गेट आई मीन दिस टॉपिक गेट्स ओवर हमने पढ़ा हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा आर एक्स पे बेटा ध्यान से सुनना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अब मैं लिखने जा रही हूं ठीक है पे NU जब अटैक करता है ठीक है क्लाइमेक्स हो रहा है अब इस रिएक्शन का तो आर एन बन जाता है Rnu, प्लस माइनस बाहर आ जाता है ठीक है इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या नाम दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने कहा कि भाई आर एक्स आर एन यू में बदलता तो है कोई भी अलकायला है वो आर एन यू में बदलता तो है बट ये दो तरीके से हो सकता है प्रोसेस पहला तरीका ये है मैकेनिज्म ये है वैष्णो माता तक पहुंचने का पहला तरीका है खच्चर बैठ के जाना दूसरा है यात्रा करके जाना पैदल पैदल तो ये इसमें बदलेगा पर पहला मेथड है एस एन टू एस एन टू का फुल फॉर्म है biomolecular. Biomolecular हमने क्यों बोला था क्योंकि हमने कहा कि ये इस तरीके का रिएक्शन होता है जिसमें रेट किस पे डिपेंड करता है आर एक्स पे भी और न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे भी क्योंकि दोनों स्पीशीज का इन्वॉल्वमेंट है स्लो स्टेप में तो हमने सुपरस्क्रिप्ट क्या लगाई टू ठीक है ये किसमें इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है हल्के वालों में ज्यादा होती है जिनके एल्काइल ग्रुप्स हल्के होते हैं हल्के हल्के ग्रुप कैसे होते हैं ठीक है हलके. अब ये हम इसको के बारे में क्या जाने हम ये जाने कि अगर कोई कार्बन पे बिल्कुल हल्का फुल्का हो जिसपे तीनों हाइड्रोजन हो और ये हाइलोजन जुड़ा हुआ हो तो जो न्यूक्लियो फाइल वो फ्रंट साइड अटैक नहीं करता वो बैक साइड अटैक करता है बैक साइड ठीक है बैक साइड अटैक करने से क्या होता है न्यूक्लियोफाइल कार्बन से चिपक जाता है लेकिन हाइड्रोजन उल्टे मुड़ जाते हैं उल्टे ठीक है उल्टे मुड़ जाते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनवर्जन क्योंकि हाइड्रोजन छत्री की तरह उल्टे मुड़ गए तो हमने प्रोसेस को क्या बोला इनवर्जन ऐसे में अगर प्रोडक्ट तुम्हारा स्टीरियोकेमिकल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है रिएक्टेंट अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो उसका ट्विन ब्रदर बनेगा क्योंकि वो सिर्फ उसके जैसा दिख रहा है बट उसकी मिरर इमेज है देखो हाइड्रोजन इसके इधर उसके उधर तो इसको हम क्या बोलते हैं इन वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन लेकिन अगर मैंने क्या ले लिया अगर हमने ले लिया एस एन वन एस एन वन का क्या मतलब है ध्यान से सुनना इसको क्लाइमेक्स कर रहे हैं बिल्कुल एस एन वन में वन का क्या मतलब है यूनिमोलिक्यूलर मतलब इस तरीके के रिएक्शन का जो रेट होता है वो सिर्फ एल्काइल हेलाइट के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है नॉट ऑन न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के कंसेंट्रेशन पर रिएक्शन की जो स्पीड है वो इसलिए निर्भर नहीं करती क्योंकि जो स्लो स्टेप होता है जो स्पीड डिसाइडिंग स्टेप होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता ठीक है और कौन सा होता है स्लो स्टेप जिसमें थ्री डिग्री टाइप का एल्काइल ग्रुप थ्री डिग्री टाइप का एलकाइल ग्रुप लाइक दिस अपने आप ही स्लो स्टेप में बिना न्यूक्लियोफाइल के क्या करेगा हेलोजिन को छोड़ करके एक प्लेनर कार्बो के में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है बाद में इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फास्ट स्टेप में फास्ट को तो अपन इतने भाव ही नहीं देते स्लो को बाद, भाव देते तो फास्ट स्टेप में बाद में क्या होता है वो छोड़ो स्लो स्टेप के अंदर ये कार्बो में कन्वर्ट हो जाता है जो कि प्लेनर है अब जब न्यूक्लियोफाइल को पता लगा कि ये स्पाइक जा चुका है एक्स जा चुका है तो अटैक की से इक्वल हो जाती है इसका क्या मतलब है? है? कि की दोनों से बराबर हो जाती है? इसको मैं तुम्हें एक मस्त उससे समझाती हूं देखो अब आएगी तुमको असली फील नाउ यू विल गेट द फील ये था हमारा एल्काइल हेलाइट जस्ट इट ये था हमारा एल्काइल जो तुम्हें मल्टी कलर की पेंसिल दिखाई दे रही है ये वाला पेन दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है ये तीनों बल्कि अलकाई ग्रुप्स है ये तीनों बल्कि अलकाई ग्रुप्स है जो नीचे स्टैंड की तरह बने हुए हैं ठीक है ये कौन है हेलाइड आयन है एक्स है ठीक बल्कि अलकाइल ग्रुप्स होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक की सोची बट पूछ दिखा के निकल गया बोला मैं नहीं कर रहा स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं है इसने खुद नहीं हेलोजन को छोड़ देना है और ये क्या हो जाएगा प्लेनर प्लेनर समझ के तुम तो एक ही प्लेन में लाइक दिस पहले मुड़ा हुआ था ये प्लेन हो गया क्योंकि कार्बो तो तो अटैक का करने का चांस इसलिए बराबर हो गया क्योंकि दोनों साइड से उसको जो भी रिपल्जियन अट्रैक्शन जो मिल रहा, बराबर मिल रहा है तो प्रौब, अटैकिंग प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बोथ साइड इज सेम न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आ सकता है इधर से भी आ सकता है फिफ्टी फिफ्टी चांसेस है इधर से और इधर से आने के तो सपोज करो इनिशियली जहां न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ था ये हटा ठीक है जहां पे सॉरी एक्स लगा हुआ था ये एक्स था ना हमारा एक्स जहां लगा हुआ था एक्स गया ये प्लेन हुआ अब न्यूक्लियोफाइल यहीं से आया तो ये मुड़ जाएंगे वापस वहीं इसको हम बोलते हैं रिटेंशन यानी कॉन्फिगरेशन को रिटेन करना ये वहीं मुड़ गए अल्काइल ग्रुप जहां पे ये थे समझ में आ रही है बात लेकिन अगर यही तुम्हारा कहां से अटैक हुआ देखो, ये तुम्हारा ये हेलोजन लगा हुआ है, हैलोजन निकल के गया ये हो गया प्लेनर प्लेनर हो गया अब न्यूक्लियोफाइल यहां से नहीं आया यहां से आया अब क्या होगा उल्टे मुड़ जाएंगे ये मुड़ गए उल्टे समझ में आ रहा है देखो प्रॉप यूज करके उल्टे मुड़ गए इसको हमने क्या बोला? Inversion. पहले ऊपर नहीं थे ना? पहले तो नीचे की साइड थे उल्टे हो गए 50 -50 बन रहे हैं इन्वर्जन और रिटेंशन के फिफ्टी फिफ्टी परसेंट क्योंकि खूब सारा न्यूक्लोफाइल है दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे 50 50 परसेंट और क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स एक दूसरे की मिरर दोनों ट्विन एक को जितने डिग्री राइट रोटेट करेगा दूसरा प्लेन पोलराइज लाइट को उतने ही डिग्री लेफ्ट रोटेट करेगा एक थोड़ा आगे बढ़ेगा प्लेन पोलराइज लाइट को टेढ़ा करेगा दूसरा फिर टांग खींच के उसको वहीं ले आएगा तो बेसिकली फिफ्टी फिफ्टी होने की वजह से ओवरऑल ये जो मिक्सचर है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं बट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर इसका पचास परसेंट हिस्सा प्लेन पोलराइज लाइट को लाइक दस डिग्री लेफ्ट रोटेट करता है तो बाकी का पचास परसेंट हिस्सा दस डिग्री वापस उसको राइट right रोटेट करेगा और उसको नेट रोटेशन जीरो कर देगा तो ये टांग खींचाई कर रहे जा रहे जा हैं एक दूसरे की आगे कोई बढ़ी नहीं रहा एक भाई ऐसे ऐसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है दूसरा भाई उसको उतने पीछे खींच रहा है तो वो तो वही रह जाएंगे जहां थे तो इसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन और इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर 50-50 परसेंट मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स जो कि जिनकी ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है जीरो Uh, मुझे बताना अगर तुमको रिवाइज करवाना हो ये तो ठीक है तो अब इसको देखो कैसे ये हेलोजन एस वन में चला गया ये सॉल्वेंट इसको लेके चला गया एंड इसको लेके जाएगा तो ये देखो तो स्प्लेन हो जाता है बिल्कुल प्लेन बिल्कुल प्लेन ये ये हुए सीधे देखो पूरे ग्रुप सीधे हो गए प्लेनर में कन्वर्ट हो गया हेलोजन तो गया ये स्पीशी क्या हो गई हमारी प्लेन हो गई बहुत गहरी समझने वाली चीजें हैं ये माधव थक गया है ना ये जब प्लेन इस तरीके का हुआ तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की जो पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी है वो दोनों तरफ सेम है इधर से भी अटैक करे और इधर से भी अटैक करे दोनों तरफ फिफ्टी परसेंट चांस है अटैकिंग का और इसी वजह से हमको दो तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं और जिनको हम क्या बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर एंड प्रोसेस को रेसेमाइजेशन बोलते हैं तो याद रहे एस एन वन इज करेक्टराइज बाय रेसेमाइजेशन रेसिमाइजेशन एस एन टू होता है इनवर्सन एस एन वन रेसमाइजेशन एस एन टू इनवर्सन देखो मिरर इमेज मिरर इमेज लाइक आर हैंड्स लाइक आर हैंड्स दे लुक लाइक ईच अदर बट दे आर डिफरेंट दे आर डिफरेंट ठीक है सिमिलरली जो तुम्हारे ये वाला जो एस एन वन होता है एस एन वन के अंदर जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं फिफ्टी फिफ्टी परसेंट वो कैसे मिले न्यूक्लियोफाइल इधर से आया और इधर से आया तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज आइसोमर्स बन गए जो कि रेसमिक मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूट करेगा बिकॉज अटैकिंग तो हम इसको क्या बोलेंगे अब इसकी रीडिंग कर लेना बेटा अपने आप क्योंकि ओवर हो गया मैंने पढ़ा तो दिया एक बार ही पूरा टॉपिक ये बताओ जरा थक गए बच्चे आधे ज्यादा तो यस yes, काजल मिश्रा एस एन टू इन्वर्जन एस एन वन रेसिमाइजेशन वेरी गुड मिस्टर अनूप जल्दी से ये मुझे बताओ अमंगा सी एल इनमें से कौन सा मिक्सचर कौन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है कौन जो optically active है जो ऑप्टिकली एक्टिव है यह हो गया तुम्हारा फर्स्ट है ना और ये हो गया सेकेंड ये हो गया थर्ड और यह हो गया फोर्थ आंसर के लिए ये ए हो गया बी हो गया सी हो गया और डी हो गया करो इसको सॉल्व डी ओके डी कह रहा है सिर्फ सेकंड ऑप्टिकली एक्टिव है बिल्कुल सही क्योंकि इसके अंदर तो देखो ना तीनों मिथाइल ग्रुप सेम है और हाइड्रोजन है तो ये तो फेल है इसको देखो तीनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इधर भी ये दोनों मिथाइल ग्रुप इस कार्बन को देखिए तो दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है फेल हो गया इसको देखिए तो इथाइल ग्रुप दोनों तरफ सेम है फेल हो गया इसको देखिए तो एक हाइड्रोजन है एक मिथाइल है एक क्लोरो है एक प्रोपाइल है ये पास हो गया तो सिर्फ सेकेंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव है तो डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है इसको ये बताओ सर हाँ ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए आइडेंटिफाई द कंपाउंड बाई द फॉलोइंग रिएक्शन आल्सो टेल द नेम ऑफ द रिएक्शन इन द बॉक्स मोनिका मैम ज्यादा पढ़ाती है छोड़ती नहीं क्लास जल्दी से <clears throat> एग्जाम्स आने वाले हैं ना इसलिए ज्यादा पढ़ा रही हूँ आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन तीन क्लास और लगेगी चैप्टर खत्म थ्री क्लासेस में इलेवेंथ की टाइमिंग बेटा रितु सिंह चार से पांच है ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को होती क्लासेस कल है इलेवेंथ की क्लास ए बिल्कुल सही रिएक्शन का नाम बताएंगे क्या सैंडमेयर्स शाबाश ये बता दो

क्लास ट्वेल्थ एमडब्ल्यू एफ होती है नौ से दस ठीक है मंडे वेंसडे फ्राइडे इमर्ज क्लास ट्वेल्थ के सीबीएसई टर्म के प्रिपरेशन के लिए टेस्ट होते हैं उनकी डेट्स वगैरह मैं आपको बताती रहती हूँ ऑल इंडिया रैंक इसमें आएगी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी एम लाइफ से इसको एनरोल करना एनरोलमेंट भी फ्री है एग्जाम देना भी फ्री है आप एग्जाम भी बिल्कुल फ्री में देंगे एनरोल भी बिल्कुल फ्री करेंगे ठीक है केमिस्ट्री का एग्जाम कल है ऑल द बेस्ट बच्चों कल जरूर देना तुम्हें मैंने सब कुछ पढ़ा दिया सिर्फ एक फिनोल इथर वाला चैप्टर बच रखा है बाकी सब पढ़ा है मैंने तो एग्जाम देखे बताना मुझे तुम लोग का कैसा हुआ ये ठीक है स्पेशल क्लासेस मेरी जो होती है उसको एनरोल करने के लिए आपको कौन सा कोड लगाना है एमबी लाइफ किस खैर कोई भी स्पेशल क्लास एमबी लाइफ से खुल जाएगी एमबी लाइफ इज अ चाबी टू एनी स्पेशल क्लास का ताला खोलने के लिए आज अनलिमिटेड पूछ सकते हैं सब्सक्रिप्शन में आपको बता दू, मैं प्रॉपर क्लासरूम का एनवायरमेंट होता है प्रॉपर नोट्स मिलते हैं प्रॉपर डाउट्स देखे जाते हैं खूब खूब सारा सारा होमवर्क मिलता मिलता है सारा मिलता है स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है प्रिपरेशन मैंने पढ़ाई है तो प्रिपरेशन की बहुत सारी वर्कशीट हमारे प्लस के बच्चों ने सॉल्व करी है प्रिपरेशन की प्रॉपर्टीज की इवन जो मैंने तुम्हें आज बताया ना ये हमारा ये हो चुका है चैप्टर प्लस पे तो जो मैंने तुम्हें बताया ना कि भाई कायरल पहचानो एक्टिव पहचानो तो एक वर्कशीट तो वैसी मिली है पूरी कि आपको शुरू से एंड तक 10-15 सवालों में टिक लगाना है कि इन दोनों में से कौन सा कायरल होगा इनमें से कौन सा होगा इनमें से कौन सा होगा फिर वो डिस्कस भी होती है डाउट क्लास में तो डेफिनेटली इतना डिस्कशन होता है इतना प्रैक्टिस होता है, तो एक अपर एज तो मिलता ही है बेनिफिट ज्यादा है टेस्ट वगैरह होते हैं सब कुछ होता है ठीक है एंड आइकॉनिक uh, में आपको दो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं एक तो आपको आइकॉनिक मेंटर मिल जाता है अलग से जो आपके डाउट सॉल्विंग और uh, आपका टाइम टेबल बनाना है और क्या क्या करना होता है आपकी जी बनानी है वो सब में हेल्प करता है दूसरा चीज है 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 कि आपको ऐप जो वो प्रायोरिटाइज करती है, मतलब अगर आप किस में आ जाते हो कोई डाउट तो आइकॉनिक लर्नर्स के डाउट जल्दी सॉल्व होते हैं ठीक है तो आइकॉनिक का ये फायदा है तो अगर आप लें तो आइकॉनिक प्रिफरेबल है और प्लस भी बहुत अच्छा है नो डाउट अबाउट इट ये अपकमिंग बैचेस हैं जो आ रहे हैं हमारे और ये ऑनगोइंग बैच है जो चल रहा है और एंड तक चलेगा ये पूरी ट्वेल्थ के एग्जाम तक कंटिन्यूड रहेगा ये बैच है ना और ये अपकमिंग है जिसमें किसी किसी बच्चे को लगता है कि हमें और एमसीक्यू हमने चैप्टर तो कर लिया पर टीचर्स की नजर में तो टीचर्स के साथ बैठ के जितने एमसीक्यूज की तैयारी हो जाएगी क्योंकि टीचर समझा भी देते हैं ना एमसीक्यूज पढ़ाते हुए गलत चला गया तो क्यों गलत चला गया तो टीचर्स के साथ बैठ के जितने मर्जी एमसीक्यू हमें खूब सारे करने तो वो इन बैचेस में भी एनरोल कर लेते हैं सपोर्टिव बैचेस होते हैं ये जैसे कुछ तो होते हैं सिर्फ एनसीआरटी बैचेस से है एनसीआरटनसीआर रीडिंग करेंगे एनसीआरटी एनसीआर के क्वेश्चन लगेंगे तो ऐसे सपोर्टिव बैचेस होते हैं जिसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलता है मेरा भी ट्वेंटी थर्ड सेप्टेबर से मैं खुद भी प्लस पे पढ़ाती हूँ तो मेरा ट्वेंटी थर्ड सेबर

हां मेरे पर मेरे साथ और भी बहुत ही आ, मतलब ऐसे एडुकेटर्स की टीम है जो आपको लाइव क्लासेस में भी आपका जो छूट चुका है वो पढ़ाएगी क्योंकि हम लोग का पूरा ऐसा टीम काम करता है जिसमें अब जैसे हम लोग क्रैश कोर्स लाने का प्लान कर रहे हैं कि 45 डेज में हम स्क्रैच से पढ़ाएंगे सारे सब्जेक्ट्स तो उसमें जैसे मेरा तो जो बैच चल रहा है वही चलेगा लेकिन मेरे कुछ और एडुकेटर्स हैं जो मेरे साथी हैं वो आपको शुरू से भी लाइव पढ़ा मतलब लाइव क्लासेस में पढ़ाएंगे पूरा कोर्स और मेरे साथ आप रनिंग में आ जाओ तो ऐसे करके सब एडजस्ट होगा डोंट वरी यू आर नॉट लेट ओके एंड डोंट बी और ज्यादा लेट फर्स्ट अक्टूबर से प्राइस हाइक होने वाली है जई की तो अगर आप देखें तो बिफोर प्राइस हाइक तो ये अभी ये चल रहा है फर्स्ट अक्टूबर से प्राइजेस बढ़ जाएंगे बेटा तो आप जरूर से जरूर सब्सक्रिप्शन अगर प्लान कर रहे हैं तो फर्स्ट अक्टूबर से पहले लेने का प्लान करें यू कैन यूज एम बी लाइव मास्टर ब्लास्टर कोड लास्ट डे टू फॉर दीज ऑफर्स बेटा इन ऑफर्स का आज लास्ट डे है जेई सब्सक्रिप्शन के चार्जेस है ये कोड है जिससे डिस्काउंट मिलेगा या आइकोनिक के चार्जेस है ये कोड है ठीक है प्लस सब्सक्रिप्शन के ये चार्जेस हैं ये कोड है जिससे डिस्काउंट मिलेगा ये चार्जेस हैं ये कोड है अभी आपको कौन सा लेना चाहिए अभी आप सिक्स मंथ्स का भी ले सकते हैं नाइन का भी ले सकते हैं क्योंकि आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबरी मार्च हाँ सिक्स का भी चलेगा नाइन का भी चलेगा तो मैं एक एग्जाम्पल देख बता रही हूँ आपने जैसे टेन थाउजेंड का ले लिया आपने ठीक है टेन थाउजेंड में आपने कोड लगा दिया एम बी लाइव मास्टर ब्लास्ट कोड एम बी लाइव ठीक है अब इसमें नाइन थाउजेंड का आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा आपको और नाइन थाउजेंड में आपके सारे सब्जेक्ट्स लॉक हो जाते हैं ऑल सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी इवन आपका हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर साइंस सब कुछ फॉर uh, अगले छह महीने में वी विल बी टेकिंग केयर स्टडी मटेरियल भी इंक्लूडेड टेस्ट भी इंक्लूडेड पढ़ाना भी इंक्लूडेड सब चीज इंक्लूडेड ठीक है एंड आइकॉनिक का यही वाला सब्सक्रिप्शन जो है वो कितने का रहेगा सत्रह हजार का है. तो इसमें भी ऑफ हो जाएगा एमबी बी लाइव से और सारे सब्जेक्ट लॉक हो जाएंगे आपके इसमें तो काय को बहुत ज्यादा ज्यादा ट्यूशन चार्जेस बन रहे हैं यहाँ पे इतने कम चार्जेस में इतने अच्छे से आप फीचर्स मिल रहे हैं तो डोंट प्रो टू यूज एमबी लाइव कोड एंड लेट्स क्रैक इट बच्चा पार्टी चलो जाओ मैं क्विज दोगे ओहो बच्चे कितने स्टूडेंट्स हो यार क्विज़ वाला आज सिस्टम मेरे पास अभी पड़ा ही नहीं है इस रूम में सुधांशु बेटा क्विज के लिए जो मोबाइल चाहिए होता है वो मेरे पास है नहीं और मेरे इस मोबाइल में वो आ, प्रौ, मतलब प्रॉब्लम आ रही है ठीक है तो कोई बात नहीं अगली क्लास में लेंगे थक गए तुम लोग भी डेढ़ घंटे से पढ़ रहे हो जाओ मैं चलो बाय 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 ज्योति बाय गुलाम अगली बार से पक्का पक्का क्विज ठीक है मैं मोबाइल नहीं लाई क्विज वाला वो दूसरे मोबाइल से लेती हूँ मैं तो चलो बाय बाय बच्चों गुड नाइट ध्यान रखना अपना अच्छे से और तबियत अच्छी रखना अच्छा हेल्दी फूड खाओ एग्जाम्स आने वाले हैं है ना बाहर का खाना मत खाना बीमार पड़ जाओगे नहीं तो अच्छा हेल्दी फूड खाओ मस्ती में रहो खूब अच्छे से पढ़ाई करो ठीक है बाय बाय बच्चों बाय सुधांशु बाय राखी बाय खुशी बाय मयंक बाय मोनिशा बाय काजल गुड नाइट बाय गुलाम सुभानी बाय खुशी राठौर बाय बाय बच्चों लव यू ऑल